दूसरी बात, जैसा ये टीआरएस की फाइट है, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? नॉर्थ के बच्चे आते हैं हमारे पास और अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, ये हमारे स्कीम से। और अब हम आगे अजला को भी जाने का प्रोग्राम है, और यहाँ पे दो तीन चीज़ों का मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि मुसलमान डिमांड के ऊपर पार्टी के प्रेसिडेंट और पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं ये अप्रूवल दिए हैं कि सब प्लान इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो गवर्नमेंट हमारी आने के बाद फर्स्ट ईयर का बजट 5,000 करोड़ से शुरू होगा, और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा जो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ कब्जे में है इसको वापस हासिल करने के लिए, जो CBI इंक्वायरी का माइनॉरिटी कमीशन से रिकमेंडेशन दिए हैं उसको हम पूरा करेंगे, और नौकरियों में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो नौकरियां खाली पड़े हैं मुसलमानों की, वो जल्द से जल्द हम एक फर्स्ट 6 महीने के अंदर ही हम नोटिफिकेशंस लाके पूरे करेंगे। तो ये जो और मेडिकल हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और बच्चों को हॉस्टल्स के बारे में और स्कूल्स के बारे में जो तकलीफ़ें हैं इसके बारे में भी हम हमारे रिकमेंडेशन देकर एक मैनिफेस्टो बनाएंगे, जो मैनिफेस्टो पीपल्स मैनिफेस्टो, अवाम का मैनिफेस्टो के नाम से हम लेकर आ रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक सेपरेट किताब भी बनाएंगे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के जो मुसलमानों के क्रिश्चियंस के प्रॉब्लम्स हैं इसके डिटेल में डिस्ट्रिक्ट वाइज सिटी वाइज हम इसके बारे में भी हमारे वादे पब्लिक तक पहुँचाएंगे। आज ये अवेयरनेस चल रहा है, काफ़ी मेमोरेंडम आए हैं, काफ़ी लोग आके यहाँ बात करे हैं, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखते हुए 4-5 दिन के अंदर हम हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।